17 सितंबर से पित्त पक्ष की शुरुआत हो रही है जो कि 2 अक्टूबर तक को चलेगी। इन दिनों अगर नव शिशु का जन्म हो तो किस बात का संकेत है, आइए चलते हैं। हिंदू धर्म में हर त्यौहार हर तिथि का अलग अलग महत्व कहा गया है। जिस प्रकार कोई भी शुभ कार्य या मांगलिक कार्य करते हैं उसमें ही अलग तिथि देखी जाती है, मुहूर्त देखा जाता है तथा अलग समय देखा जाता है। दौरान कुछ समय पश्चात पंचांग के अनुसार श्राद्ध पक्ष का प्रारंभ हो रहा है जो कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रहेंगे। श्राद्ध पक्ष में पितरों का बड़ा महत्व रहता है। कहा जाता है श्राद्ध पक्ष में मांगलिक कार्य तथा शुभ कार्य नहीं किए जाते, विवाह उद्यापन आदि ये कार्य नहीं किए जाते। इस समय सिर्फ यह दिन जो है कि पितरों को समर्पित होता है। इस समय पितर धरती पर आते हैं तथा भोग आदि ग्रहण करते हैं तो यह समय उनको समर्पित रहता है। पितृपक्ष और श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं। इन दिनों शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। अगर इन दिनों किसी के यहाँ पर नवजात शिशु का जन्म होता है तो यह शुभ रहेगा या अशुभ रहेगा, यह लोगों के मन में अनेक प्रकार से भ्रांति रहती है। इसी भ्रांति को दूर करने के लिए आज कहने जा रहे हैं कि इसी भ्रांति में न रहें कि इस पक्ष में अगर हमारे यहाँ बालक या नवजात शिशु का जन्म हुआ है तो वो बड़ा शुभ कहा गया है। इस अवधि में अगर किसी के यहाँ बालक या बालिका नवजात शिशु जन्म लेता है तो बड़ा रचनात्मक होता है तथा अपने कार्य में उन्नति करने वाला होता है तथा और भी मान सम्मान उसे प्राप्त होता है तथा धन धान्य में वह वृद्धि होती है तथा पितरों का आशीर्वाद उस पर बना रहता है और रचनात्मक क्रिया वाला होता है। इससे जातक के जो कम उम्र में ही बहुत सारी जिम्मेदारियां हो जाती हैं तथा अनेक प्रकार से वो अपनी ख्याति को बटोरता है और अनेक प्रकार से वह नाम करता ऊँचा पर ऊँचे पद पर जाता है, ऊँची अवधि में जाता है तथा दीर्घायु उम्र वाला होता है। इसी प्रकार यह भ्रांति को न रखा जाए कि श्राद्ध पक्ष में यदि कोई शिशु हुआ हो, कोई नवजात बालक हमारे यहाँ जन्म बालक या बालिका जन्म लिए हैं तो अशुभ रहेंगे। यहाँ पर सिर्फ मांगलिक कार्य आदि को अशुभ कहा गया है, परंतु कोई बालक या बालिका अपने घर में जन्म लेता है, नवजात शिशु जन्म लेता है तो बड़ा अत्यंत शुभ कहा गया है। श्राद्ध पक्ष में वह जन्म लेता है उसको यह मानना चाहिए कि हमारे पितरों